हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना आर्ट्स इंडिया। आज हम बनाएंगे एक ड्रीम कैचर विद ट्री ऑफ लाइफ यूजिंग वेरी मिनिमल एंड इको फ्रेंडली मटेरियल। इस आर्ट पीस से हम अपना बेडरूम, टेरेस, बालकनी, कोई भी एरिया डेकोरेट कर सकते हैं। मटेरियल के लिए चाहिए हमें वुडन रिंग, यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी रिंग यूज किया है। इसके अलावा जूट थ्रेड्स या जूट रिबन्स चाहिए, आप सूतली भी यूज कर सकते हैं। बीट्स के लिए आपको वुडन बीट्स और पर्ल्स चाहिए। वुडन बीट्स के होल्स बड़े होने चाहिए। कलरफुल फेदर्स चाहिए, सिजर्स और ग्लू गन चाहिए। सबसे पहले मैं वुडन रिंग पर ग्लू लगा के उस पर जूट थ्रेड लपेट रही हूँ। ये काम हमें बहुत नीटली करना है। थ्रेड के एंड को मैंने ग्लू गन से सिक्योर किया है और ये हमारा रिंग तैयार हो गया है। अब मैंने 18 पीसेस जूट थ्रेड्स के लिए हैं, जिनका लेंथ मेरे रिंग के डायमीटर से 3 टाइम्स ज्यादा है। अब मैं हर थ्रेड को डबल करते हुए लूप बना के रिंग पे अटैच करती जा रही हूँ। ये मुझे टाइटली अटैच करना है और ऐसे ही मुझे सारे 18 थ्रेड्स को अटैच करना है। यहाँ पर हमें हर थ्रेड के बीच में डिस्टेंस इक्वल रखना है। अब हम फर्स्ट थ्रेड को छोड़ देंगे और सेकंड और थर्ड थ्रेड को लेके उसमें वुडन बीट इंसर्ट करेंगे और ऐसे ही हमें हर दो थ्रेड में बीट इंसर्ट करते जाना है। कंप्लीट होने पर एंड में हमारा एक थ्रेड बच जाएगा। अब हम अगला डिजाइन बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड थ्रेड लेंगे और वुडन बीट इंसर्ट करते हुए फर्स्ट रो से उस वुडन बीट को दूर रखते हुए प्लेस करेंगे। अब हमारे वुडन बीट्स की सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। हमें दो सेमी सर्कल्स बनाने हैं बीट्स के, तो हम उन्हें प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट डिजाइन मैं मैक्रमे के स्क्वायर नॉट्स लेकर बना रही हूँ। इसमें मैं 4 जूट थ्रेड्स लूंगी, 2 सेंटर थ्रेड्स और 1 राइट और 1 लेफ्ट थ्रेड। अब मैं राइट थ्रेड को दोनों सेंटर थ्रेड के ऊपर से लेफ्ट साइड ले जाऊंगी और लेफ्ट थ्रेड को राइट थ्रेड के ऊपर से ले जाकर फिर सेंटर थ्रेड के नीचे से ले जाते हुए राइट साइड के लूप से निकाल लूंगी, फिर उसको टाइट कर दूंगी और ये बन गया हमारा स्क्वायर नॉट। नेक्स्ट नॉट मैं सेम तरीके से बनाऊंगी, पर इस बार स्टार्ट लेफ्ट साइड से करूंगी। नॉट बनाने के बाद टाइट नहीं करना है, उसे थोड़ा लूज ही रखना है और ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर नॉट्स विद हाफ सर्कल। ऐसे हमें 3 नॉट्स बनाने हैं। ये डिजाइन मैं ट्री ऑफ लाइफ के ब्रांचेस बनाने के लिए यूज कर रही हूँ और ऐसे ही हमें 4-4 थ्रेड्स लेते हुए सारे ब्रांचेस कंप्लीट करने हैं। आप कोई और भी नॉट्स यूज कर सकते हैं ब्रांचेस बनाने के लिए। एक बार फिर से मैं वुडन बीड्स यूज कर रही हूँ, इससे इस डिजाइन को एक बैलेंस्ड लुक मिलेगा। मैं 4 थ्रेड्स लूंगी और 2 सेंटर थ्रेड्स में बीट डालकर स्क्वायर नॉट से इसे टाइट कर दूंगी। एक एक्स्ट्रा नॉट और डालूंगी ताकि ये बीट सिक्योर हो जाए और ऐसे ही हमें ये डिजाइन कंप्लीट कर लेना है। अब मैं ट्री ट्रंक बनाऊंगी, जिसके लिए मैं इन थ्रेड्स को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लूंगी। इन्हें डिवाइड करने के लिए आप हेयर क्लिप्स या क्लॉथ क्लिप्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। इन ईच पार्ट विल गेट 6 थ्रेड्स। ट्री ट्रंक के लिए मैं एक सिंपल ब्रेड डिजाइन बनाऊंगी। चोटी की तरह हमें इन थ्रेड्स को गूंथना है।
बहुत ही टाइटली गूंथना होगा। आप इसकी जगह इन थ्रेड्स को रोल या ट्विस्ट भी कर सकते हैं। इसे 5 से 6 बार गूंथना है। फिर एक अलग से जूट थ्रेड लेके उसे 5-6 बार लपेटकर उसको टाइटली सिक्योर कर दूंगी। अब एक एक करके मैं सारे बचे हुए थ्रेड्स को रिंग से टाइटली बांधती जाऊंगी और ये टाइट बांधना है ताकि आपका जो पूरा डिजाइन है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, लूज ना रहे। अरेंजमेंट मैं ट्री के रूट फॉर्मेशन के लिए कर रही हूँ। रूट के एंड पे मैंने कुछ पर्ल्स यूज किए हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं फेदर स्टिक करना स्टार्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। मैं हर अल्टरनेट थ्रेड पे फेदर लगा रही हूँ, एक एक थ्रेड छोड़ती जा रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है ब्राउन एंड व्हाइट का, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसा आपका बीट का कलर हो वैसा ही कलर कॉम्बिनेशन प्लान करें। नेक्स्ट लेयर में मैं व्हाइट फेदर्स को यूज कर रही हूँ। साइड के फेदर्स मैंने छोटे रखे हैं और बीच के थोड़े लंबे, और एंड में मैं ब्राउन फेदर्स को यूज कर रही हूँ। मिडल के 3 थ्रेड्स पे मैंने ये फेदर्स लगाए हैं और यहाँ हमारा फेदर्स का काम कंप्लीट हो जाता है। फेदर के एंड पे मैंने 2 पर्ल बीड्स और 1 वुडन बीड को लेकर एक डिजाइन फॉर्म किया है। और नेक्स्ट में हमने जो एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ा था उस पे मैंने 4-4 पर्ल बीड्स लगाए हैं। हर बीड के बाद एक नॉट दिया है ताकि वो अपने प्लेस पर सिक्योर रहे। आप इन थ्रेड पे पर्ल अरेंजमेंट बदल भी सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, और ऐसे ही हमें सारे थ्रेड में बीड वर्क कंप्लीट करना है। अब हम फाइनल डिटेलिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनको कट करने के बाद उनके एंड को ग्लू गन से सील कर देना है। अब फाइनली हैंगिंग के लिए एक लूप बना लें और ये तैयार हो गया हमारा ड्रीम कैचर विद ट्री ऑफ लाइफ। तो ये ड्रीम कैचर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट करके आप इसे बनाएं और इसमें आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं मेरे साथ जरूर शेयर करें। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।